हाँ बेटा बढ़ाई भी लगाइए भाई मैं बढ़ाई पूरा नहीं दिया। अब मैं चूंकि महिला इकाई की बाकी घोषणा सबने बाकी बातें करेंगी, लेकिन जो महिला यहाँ आई हुई हैं हमारे इस महिला व्यापार मंडल में जुड़ी हैं, आश्रम में अपने जो कुकर्मी हैं और इस व्यापार मंडल के संरक्षक भी हैं माननीय पप्पू वर्मा जी, वो कुछ क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। जब तक वो उपस्थित नहीं होते क्योंकि तो मैं ये चाहता हूँ कि विधायक जी के ही कर कमलों से हम महिला इकाई का गठन करके विजय कार्य सत्र लेकर आने का विषय टीआर सिंह शीतल राजपूत खुशबू प्रजापति वाशी सक्सेना चक्कर भैया आप ही आने देख चक्कर भी दिला मेरा मेरा जिसने किया उसकी इज्जत नहीं लूटती है, जिसका हुआ उसकी इज्जत लूट गई। ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। तो मैं इसी की सोच इसी सोच के साथ उन मजबूत महिलाओं को जया जी हमारे साथ हैं आप सब जानते हो, मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सोचा कि महिला इकाई बननी चाहिए कि अपने आप में सोची बहुत बड़ी है, क्योंकि खासतौर से नहीं सोचा जाता है कि जब हम निकलने की कोशिश करते हैं तो घर वाले भी हमें रोकते हैं कि नहीं व्यापारी व्यापारी बनोगी या अपना कुछ किशोर कठोर जी सम्मान मन माताएं पहले व्यापारी बन लो। आज व्यापार मंडल में महिला मोर्चा का जो गठन हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि महिलाओं के लिए दो दर्जे का सोचा जा रहा है। हाँ कोई जमाना था कि दो दर्जे का सोचा जाता था और है में बहुत था, अब ऐसा है। अब महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा गया। आज आप सरकार के कार्यक्रम उठा के देखिए कि ज्यादातर कार्यक्रम जो है वो महिलाओं और बच्चों के ही है। एक बेटी बचाओ एक बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है, एक बेटी चार फिट के गहरे गड्ढे में खोद के बाहर दी गई। सर बताइए क्या कार्यक्रम सर ये उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जो महिला इकाई गठन किया गया उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है व्यापार मंडल ने, महिला इकाई का गठन किया है। महिला इकाई महिलाओं की समस्या उसने और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास है, क्योंकि अभी जो जिला अध्यक्ष जी बता रही थी महिलाओं के बारे में, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कोई भी महिला या लड़की जो भी है माताएं बहनें उनके साथ कोई भी किसी प्रकार के रास्ता चलते छीटा पैसे करता है, अगर वो एक बार शेरनी तरह यूँ पलट के खड़ी हो जाएंगी तो मुझे लगता 100-200 आदमी भी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन पहले पलटना तो उनको पड़ेगा, क्योंकि समाज में जब तक आप स्वयं नहीं पलटोगे तब तक लोग नहीं पलटेंगे। हमारी जो माताएं बहनें उनको पलटना पड़ेगा। अब ये बहुत अच्छा काम किया व्यापार मंडल ने, मैं इनको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत इनको स्वागत करता हूँ और माता बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस व्यापार मंडल में। इनके लिए अच्छा अच्छी दिशा देंगे महिलाओं माताओं को, बड़ी लंबी लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज़ दिल्ली के लिए, मैं बरेली से आशु बेग। आज बरेली शहर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का महिला का गठन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया, महामंत्री बनाया गया। अध्यक्ष ने बताया कि मैं बहुत ही जल्द अपनी पूरी टीम का गठन करूंगी और जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों पर खड़े उतरूंगी। क्या बोली हैं अध्यक्ष महिला समाज की, हम आपको भी दिखाएंगे। और विधायक राजेश मिश्रा उफ पप्पू बर्तौल जी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। क्या बोले हैं विधायक जी, ये भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ऑल राइट न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं बरेली से आशु बेग।